गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। सभी आंखें बंद करें, ध्यान प्रार्थना करें। ध्यान के पहले प्रार्थना, प्रार्थना के बाद ध्यान। ध्यान से पता चलता है सत्य, प्रार्थना से खुलता है सत्य का रास्ता। सभी ध्यान करें ताकि हर राज खुल जाए। सभी प्रार्थना करें ताकि सबके लिए राज खुल जाए। विश्व के सारे लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि तंदुरुस्त हो रहे हैं, क्योंकि सारी बीमारियां शुभ्र प्रकाश में विलीन हो रही हैं। इस खुशी में सारे राज खुल रहे हैं। नाराजगी दूर हुई है इसलिए राज खुल रहे हैं। हे परमात्मा, विश्व के सारे मनुष्य सत्य जाने और बीमारी का सबसे बड़ा कारण जाने। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है इंसान स्वयं से बिछड़ गया है। गलत मैं अहंकार को स्वयं की पहचान समझने लगा है। यह रोग ठीक होने के बाद उपचार क्रिया शुरू होती है। हे ईश्वर, सब में उपचार शुरू हो जाए ताकि लोग स्वयं से मिलकर खुदा से मिल पाएं और प्रेम आनंद संतुष्टि विश्वास प्रकट करें अपने जीवन से। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। सभी राज जान रहे हैं। ईश्वर ही है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका पता चल रहा है। उल्टा अज्ञान मिट रहा है, उल्टा विश्वास समाप्त हो रहा है, नास्तिकता विलीन हो रही है। इंसान ईमानदारी से स्वयं की खोज करने लगा है। स्वयं की खोज करने से सबको पता चल गया है कि कोई फंसा नहीं रहा है, इंसान खुद फंसा हुआ है अपनी मान्यताओं में, अज्ञान में, वृत्तियों में, गलत आदतों में।
यह ज्ञान मिट रहा है, फंदा टूट रहा है, दुख विलीन हो रहा है और इंसान दुख में खुश रहने की कला सीख रहा है ताकि खुशी में केवल सकारात्मक चीजें उसकी तरफ आकर्षित हों। सभी अज्ञान दूर करके दूसरों का प्यार पाने के लिए छीना झपटी बंद कर चुके हैं, क्योंकि सभी जान चुके हैं कि प्रेम का स्रोत उनके अंदर है। दूसरों से बैर इसलिए समाप्त हो गया है क्योंकि दोनों तरफ चैतन्य है। हर शरीर में जो लाश है उसमें कैलाश है, जिंदा चैतन्य है। वह स्व अनुभव करके इंसान स्वयं से योग कर सकता है। यह तेज योग है। खोद खोद कर इंसान यह सत्य जान जाए, क्योंकि खोद खोद कर जो खजाना मिलता है वह यही खजाना है कि खोज करने वाला जिसकी खोज कर रहा है वही एक्चुअली खोजी है। यह सत्य जानने के लिए लोग ध्यान और प्रार्थना का लाभ ले रहे हैं, तेज लाभ, सबको मंगल कामना भेज रहे हैं, सबको इसका लाभ मिल रहा है। सभी चुंबक बन रहे हैं। अविश्वास और निराशा से जो पीतल बन रहे थे, डरों और नफरत लालच की वजह से जो बीमार हो रहे थे वह समाप्त हुआ है। अब केवल प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य बचा है। इस साम्राज्य में सभी सत्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यह हो चुका है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य उजागर हो चुका है। आशीर्वाद का शुभ्र प्रकाश सभी ग्रहण कर रहे हैं। सभी आनंद में हैं। यह आनंद बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस आनंद में लोग क्षमा करना सहज ही स्वीकार कर रहे हैं, क्षमा मांगना सहज ही कर पा रहे हैं और सारे रोग, कार्मिक रोग समाप्त हो रहे हैं। सभी खोज में स्वयं को सत्य की पहचान करवा रहे हैं। यह खोज चलती रहे। उच्चतम विकसित समाज बन रहा है। प्रार्थना के अंत में, ध्यान प्रार्थना में सत्य देखते रहेंगे। आनंद विभोर होकर आश्चर्य करते रहें। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें।
जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।